और नगर निकाय चुनाव को बीएसपी ने दमदारी से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। बसपा प्रमुख मायावती ने निकाय चुनाव को लेकर आज पत्रकार वार्ता में कहा कि नगर निगम के चुनाव भी बैलेट पेपर से कराए जाएं। प्रेस वार्ता में बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह भी कहा कि बीएसपी अतीक अहमद और उसके परिवार को मेयर का टिकट नहीं देगी। प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं, और इस हुई घटना में खासकर अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है।